वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर की अध्यक्षता में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक पुलिस लाइन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स, दवा विक्रेता समिति, गोरखपुर किराना कमेटी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स सहित सभी टाउन हॉल एरिया के व्यापारी मंडल और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में व्यापारियों के समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा की गई, जिसमें जनपद के व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ को अत्यधिक प्रभावी बनाए जाने एवं व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किए जाने हेतु निर्देश दिया गया। इस मौके पर एसपी क्राइम आलोक वर्मा भी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि व्यापारियों की समस्या के त्वरित निस्तारण के लिए पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। जिले में व्यापारियों की सुरक्षा के लिए विभाग पूरी तरह से कटिबद्ध है। आगे उन्होंने बताया, सर वो आए अपना मोबाइल का रेट वगैरह है, आप सामान ले या ना ले, गाली क्यों दे रहे हैं? इसी बात को लेके बात हो गई, दोनों लोगों में हाथापाई होने लगी। इसके बाद वो चौकी पे गए और चौकी इंचार्ज साहब आए, दुकानदार को जबरदस्ती दुकान से खींच करके, मतलब अक्षतों का बेस गैप करते हुए खींच करके चौकी पे ले गए। और इस सरकारी पे कार्रवाई क्या हो रही है? फिर उनकी दर्द अब अपना वो सर जमानत पे छूट गए। अगला बिंदु श्री पहरा खड़े द्वारा दी जा रहा है। सर आज की बैठक के माध्यम से ये बात ये जुगाड़ करना चाहते हैं। व्यापार बंधु की बैठक हम लोग की हर महीने होती है। व्यापार बंधु की बैठक में बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सी समस्याओं का समाधान भी। उस बैठक में एक बार ये निर्णय लिया गया था कि जो इंक्रोचमेंट की समस्या है मानक से, उसमें ज़्यादातर व्यापारी प्रभावित होता है। तो निर्णय उसमें डीएम साहब ने ये किया था, थाना पार उस क्षेत्र अगर जहाँ जो इंक्रोचमेंट की समस्या आती है उनके आगे वहाँ होने से क्या होता है सर, आपस में विश्वास भी बढ़ता है और काम भी तुरंत सामने नजर आता है। सर मैं संयुक्त व्यापार मंडल का मीडिया प्रभारी हूँ, नितिन कुमार जैसवाल नाम है हमारे साथ। और सर कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी व्यापारी क्या कोई दिक्कत होती है तो अमित सिंह मेरा सब्जी थे, उनके लिए हमने नहीं फोन किया था, लेकिन अपने स्टाफ को भेज के कैंट थाने के चौकी चार से बात करना चाहा। मैंने उसको परिचय दिया कि हम संयुक्त व्यापार मंडल के मीडिया प्रभारी है, नाम बताया नहीं बताएगी। खुद क्योंकि आप एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं, तो आप जो है उसके सीनियर ऑफिसर से बात करें जी। और मेरा हमेशा रिक्वेस्ट है पुलिस को थोड़ा सा सही गलत पता लगाना है, ठीक है? हर चीज में सही गलत को लगाने का भी समय लगता है और आपकी समस्या का निदान ना हो, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हमें से कोई वरिष्ठ अधिकारी पुलिस ऑफिस ना बैठे, कोई दिन ऐसा नहीं होता। आप लोग आएंगे अपनी बात अगर कोई ऐसी है, और आप लोग इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चित करिए कि यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी है हमारी तरफ से जो एक्शन होना हो तत्काल हो, चाहे किसी के ऊपर, बट आप उस चीज को मन में रख लेंगे और ऊपर नहीं बताएंगे तो उसका दो नुकसान है, एक तो समस्या का निदान नहीं होगा और दूसरा जो हमारा कर्मचारी अगर गलती कर रहा है तो वो भी सही नहीं है। जी दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए आप अपना बात करिए बताइए। और आजकल तो बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेज भेजते हैं कि ये समस्या है, कई बार वीडियो भेजते हैं, तत्काल वीडियो भेजते हैं, क्योंकि 100 की व्यवस्था आ गई है, सबसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स की व्यवस्था है, आप सीधा फोन नंबर फ़ोन करिए। आप तो ये भी नहीं कह सकते कि वो बात नहीं है, सीधा लखनऊ से गाड़ी का मूवमेंट होता है, आप जरूर अपनी बात करें। बहुत ही मतलब हिरासत में डर लग रहा है लोगों को कुछ, क्योंकि शायद हो गए रात में आप कभी कोई भी सामने सामने कुछ करेगा। आपको ये जानकारी हुई कि मैंने इनाम घोषित? नहीं सर, तो जानकारी बहुत भी अच्छा नहीं लगा। इनाम घोषित करने का मतलब अपराधी अब डर करके वो सरेंडर किया, तो वो ही सरेंडर हुआ था। और बाकी के लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद। डेली दिन नहीं होता होगा जब आपके यहाँ पे लगा से बात नहीं करता हूँ। एक आपका केस हुआ था और उसके बाद कुछ दिन बाद, तीन चार दिन बाद एक केस और हुआ था, वहाँ किसी मोटरसाइकिल जला दी थी फायरिंग करने के बाद में,
गोविंद यादव नाम का क्रिमिनल था, उसको भी जो है एसटीएफ के साथ मिलकर पकड़ा गया और उनकी भी जिन्होंने जमानत ली है पुरानी, उसमें ये भी पता लग रहा है कि अभी एक बार कन्फर्म होने के बाद की कोई जमानत फर्जी ली गई है उनके ऊपर भी हम एफ आई आर कराएं ताकि इस तरह से चीजों को हम लोग जो है एक किलोमीटर का दायरा पड़ता है अंदर मेन गेट से, क्योंकि बस की सुविधा या कोई साधन नहीं है तो लेडीज मतलब आप लोगों में से कई लोग की डिमांड है आप लोग इसमें लाइटिंग देखेंगे, होता क्या है जैसे अब जीरा पौधा जीरा जो आज के पंद्रह जीरा आज पंद्रह साल के अंदर आ गया है, लेकिन जो हमारे जो निर्माण वो इससे सामंजस्य के तौर पर नहीं रहे, तो हम लोग को आप सिटी में दे दीजिए क्योंकि हंडियर अगर वहाँ पे लग सकती है हमको एक्स्ट्रा डेस्क में आपकी टिकट लगा दीजिए उसको हम एड ऑन कर देंगे, तो ये बिजनेस को भी ये समस्या है क्योंकि जैसा हम कहते हैं 100% कवर है। ये गोष्ठी जो व्यापारी जन के साथ है वो है, तो पिछली बार जो मीटिंग हुई थी पहले तो उसको लेके क्या कार्रवाई हुई, प्लस उन जो व्यापारी हैं उनको क्या समस्या है, पुलिस से क्या अपेक्षा है, और इसके अंदर कई जानकारी हम लोग को भी प्राप्त हुई, कई प्रकरण प्रकाश में आए, कई प्रकरणों का पुलिस के जो थे उनका निस्तारण भी हुआ, जो आज की समस्याएँ आई हैं यथासंभव हम लोग के द्वारा उसका बहुत ही जल्दी समय अवधि में उसका निस्तारण किया। क्या मुख्य समस्या है व्यापारियों द्वारा उठाई? बेसिकली कई जगह जैसे टिकट की समस्या है, कई जगह बताया गया कि जाम की समस्या है, कई और भी समस्याएं अलग अलग एरिया की अलग अलग समस्याएं हैं, कई इस तरह की समस्या आई हैं और यथासंभव जैसा मैंने बताया उनका अतिशीघ्र जो है हम लोगों के स्तर से भी उन्होंने कई प्रकरण में एफ आई आर पंजीकृत हैं, एफ आई आर के अंदर जो है प्रभावी कार्रवाई करनी है वो प्रभावी कार्रवाई की।